मुस्कुलो सा गाली रे चाली मोर बहाना फुल गजर वाली मोर सुलभ ऐसी धीरे 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 फुल करी दे अंतर ठाने तो गला न धीरे धीरे तुई मूल करी अमर धंगराम तट गला न फसी। मजा आया। सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आ चुका हूँ ओडिया सॉन्ग का ट्यूटोरियल वीडियो लेके। ठीक है, ये जो ओडिया सॉन्ग है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है और ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा ये सॉन्ग प्लीज़ कॉमेंट करके बताना और ये स्टेटस कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप क्रिएट कर सकोगे। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, सब कुछ फाइल आपको देने वाला हूँ, सब कुछ मटेरियल आपको देने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देख लेना। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है गाइस, और जिन्होंने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो वीडियो है वो नहीं देखा है, प्लीज़ देख लेना। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है, फाइल्स आपको डाउनलोड करके एलाइट मोशन पे इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोजेक्ट पे जाना है, जो फाइल है आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर यूज हुआ है तो लैग होगा, सो प्लीज़ टेंशन मत लेना, काम स्लोली करना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, आप देख सकते हो ऐड योर फोटो, इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगे आना है ऐड टू, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड इमेज टू दिखा रहे हैं, तो आपको सिंपल से क्या करना है, दूसरा इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आना है, आपको यहाँ पे ऐड योर थ्री फोटो दिखाई दे रहे हैं, मतलब थर्ड वाला इमोजी बोल रहे हो, आपको थर्ड वाला जो इमेज है आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है गाइस, थोड़ा सा आगे आना है, आप देख सकते हो पे ऐड योर फोर्थ फोटो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो फोर्थ फोटो है आपको यहाँ पे, जो चार नंबर वाला फोटो है आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे लिरिक्स है, लिरिक्स के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड योर फोटो जो कि 4:4 कॉपी है, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों लेयर पे आपको एक ही इमेज ऐड करना है, जो भी इमेज आप ऐड करोगे दोनों लेयर पे सेम इमेज ऐड करना है। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करके ऊपर से प्लस इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसी इमेज को आपको ऊपर वाले लेयर्स पे भी यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है गाइज, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर लेना है, ताकि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिले। तो आप थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे 18.03 सेकंड पे आ जाना है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ध्यान से सुनना, नहीं तो आप लोग क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाद में कमेंट करोगे कि नहीं हो रहा है। तो 18.03 सेकंड पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक डबल बिट मार्क है। ठीक है, तो हम अभी क्या आगे देखेंगे और एक डबल बिट मार्क कहाँ पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 22.03 सेकंड पे और एक डबल बिट मार्क है। ठीक है, तो 18 से 22 सेकंड के बीच में आप देख सकते हो ये सब लेयर्स है। ठीक है, इमेज का लेयर से आप देख सकते हो सभी लेयर्स पे आपको एक ही इमेज ऐड करना है, जो भी इमेज आप ऐड करोगे एक ही इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है। डबल बिटमार्क के बीच में जितना भी सिंगल बिटमार्क वाला लेयर है सभी लेयर पे आपको यहाँ पे एक ही इमेज ऐड करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करना है। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तब इसी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर से प्लस इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हो ये जो इमेज हमने यहाँ पे ऐड किया था, इसी इमेज को हम क्या करेंगे 22 सेकंड तक ऐड करेंगे, नेक्स्ट डबल बिटमार्क तक। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है। अगर मैं कंप्लीट इमेज ऐड करना दिखाऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करना है, ये जो लेयर से आपको इमेज को सेम इमेज को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है 22.03 सेकंड तक। ठीक है, तो 22.03 सेकंड से आप देख सकते हो ये एक भी डबल ब्रंक है। नेक्स्ट डबल ब्रंक देख लेते कहाँ तक है, 26.03 पे। ठीक है, तो अब देख सकते हो इन दोनों डबल बिटमार्क के बीच में भी आपको यहाँ पे लेयर्स देखने को मिलेगा। इन सभी लेयर्स पे भी आपको सेम करना है, क्या करना है, इमेज ऐड करना है, जो भी इमेज आप ऐड करोगे एक ही इमेज ऐड करना। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है,
जो भी इमेज आप ऐड करोगे एक ही इमेज ऐड करना, इसी इमेज को आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट डबल वीडियो तक इसी इमेज को आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है गाइस। ठीक है, इसी स्टेप के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, बाकी जितना भी डबल बिटमैप के बीच में लेयर्स है सभी लेयर्स पे एक ही इमेज ऐड करो, आपका स्टेटस बनके रेडी हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक ही इमेज बार 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 ऐड करके दिखाऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, वीडियो आप नहीं देखोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है एंडिंग पॉइंट तक, आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। सीसी वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, वीडियो को हाई रेजोल्यूशन करके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।